और दोस्तों मैं नीरज और वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए आइडिया के साथ। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे फिर से क्या हुआ, जो हमारी वेस्ट प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करके हमें आज सुंदर सा जो अपने गार्डन के लिए प्लांटर बनाने वाले हैं। तो आप इस तरह को वीडियो को देख कर जो आप अपने घर के लिए या फिर क्या कि अपने गार्डन के डेकोरेशन के लिए इस तरह से सुंदर सुंदर जो प्लांटर है वो आप बना सकते हैं। तो हमारा आज का जो प्लांटर है वो कुछ यूनिक और कुछ डिफरेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए आज का डीआईवाई हम करते हैं अपना स्टार्ट और बनाते हैं यहाँ बेकार प्लास्टिक से हम अपना सुंदर सा गार्डन के लिए प्लांटर। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आज जो प्लांटर बनाने के लिए जो वेस्ट मटेरियल जो हमने लिया है, बेकार प्लास्टिक जो लिया है, कि मेरा जो पॉट है प्लास्टिक का जब मैंने प्लांट बाय किया था तो उसके साथ मुझे यहाँ पर मिला था। तो इसी प्लास्टिक का जो कहूँ कि आप जो है यूज़ करके जो हमें एक सुंदर सा प्यारा सा प्लांटर बनाऊंगा। और देखिए आप इस तरह से अगर पॉट आपके पास नहीं है तो आप यहाँ किसी प्रकार का जो कहूँगा किचन सिंक वाला जो है आप कोई भी डब्बा ले सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर ले सकते हैं, और चाहो तो आप जिस तरह की 2 लीटर की जो 2.5 लीटर की हमारी पेप्सी बोतल है वो भी लेके आप इस तरह से जो है प्लांटर आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने इस तरह से जो है अपना पॉट यहाँ पर लिया है और इस पर देखिए इस तरह से मैं कहूँ कि कुछ जो है ड्राॅइंग है यहाँ पर हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पहले प्लांटर बनाने से पहले आपको कहूँगा किस तरह से आपको यहाँ पर कहूँगा स्केच पेन से या जो मार्कर से आपको इस तरह से आर्ट यहाँ पर बना लेना है ताकि जो आपका प्लांटर है वो बनाते समय आपका उसकी जो शेप्स वगैरह है वो यहाँ पे अच्छे से बन पाए। तो देखिए इस तरह से कुछ आर्ट एक्टिविटी यहाँ पे हम करके जो है अपने प्लांटर पे इस पर डिज़ाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं कहूँगा कि मैंने पूरा एक इस पर कहूँगा कि मार्क यहाँ पे देखिए पूरा मास्क स्केच पेन से जो हमें यहाँ पर ड्राॅइंग अपनी कर चुका हूँ और ड्राॅइंग करने वाले के फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं अपनी क्ले मिट्टी का। तो देखिए क्ले सॉइल का जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ये जो है देखिए आपकी कहूँगा जो शीशे वाला जो आपके जैसे शीशे लगाता है उसी क्ले का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये जो है क्ले आपको इजीली अपने आसपास की जो कहूँगा और जो ग्लास की दुकान है वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगी। तो जो है आप इसे देखिए पूरा पैकेट पैक करने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे जो है खुली जो है वो आप यहाँ से 25-30 रुपये की जो लेना चाहे वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसी के जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा देखिए क्ले मिट्टी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्या है कि आपके हैंड वगैरह क्या है वो भी आपके खराब नहीं होते हैं और ख़ासतौर पर सर्दियों में जो है आपको हाथ यहाँ पे ख़राब नहीं होंगे। तो आप इस तरह से क्ले मिट्टी का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहो यहाँ पे पुट्टी का इस्तेमाल करना तो देखिए यहाँ पे क्या हो कि आप पुट्टी का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं इस तरह से क्ले मिट्टी का ही इस्तेमाल करूँगा। और क्ले मिट्टी का इस्तेमाल करने के लिए देखिए यहाँ पे जो है मैंने छोटे छोटे कुछ जैसे हम आटे की लोई यहाँ पे बनाते हैं तो वो मैंने इस तरह से छोटी छोटी कुछ लोई यहाँ पे बना ली है। तो आप उस तरह से राउंड लोई आपको यहाँ पर बना लेनी है क्योंकि इस तरह से हमें कई सारी जो पीस है छोटी छोटी जब जरूरत पड़ती है तो आप इस तरह से बना लीजिए। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे बना ली है और फ्रेंड्स बनाने वाले क्या है कि यहाँ पे देखिए इसको जो मैंने कुछ तरह से पहले कुछ शेप्स को इस तरह से थोड़ा चपटा मैंने इस तरह से बना लिया है और देखिए इस तरह से बनाने के फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने देखिए एक राउंड सर्कल शेप काटने के लिए देखिए मैंने इस तरह से जो कैप ली है बोतल की उससे हम यहाँ पे इसकी शेप जो है कट कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो इतना मोटा पतला आप यहाँ रखना चाहिए वैसे आप यहाँ पर रख सकते हैं शेप्स अपनी क्ले मिट्टी को। तो देखिए यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है और प्रेस करने देखिए इस तरह से शेप है वो यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से एक राउंड शेप थी हमारी वो यहाँ पे कट गई है। तो देखिए इस तरह से और यहाँ पे जो हम अपनी जो हम यहाँ पे ड्राइंग करी थी देखिए फ्रेंड उस पर जो हम इसको चिपका देंगे। तो आप चाहो तो देखिए इस तरह से मैं बाद में क्या है इसको LPC यहाँ पे चिपका दूँगा। आप चाहो तो यहाँ पे देखिए ग्लू गन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और LPC का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जो मैंने शेप यहाँ पर बनाई थी उस तरह से मैंने अपनी जो है इस पर चिपका दिया है। तो इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे एक शेप और है वो यहाँ पे बना के जो है इस पर कट कर लेंगे चिपका देंगे। तो इस तरह से क्या आप क्ले मिट्टी का जो आप यहाँ पे जो इजीली आसान यहाँ पे रहता है वैसे ही आप चाहते कि साथ साथ तुरंत क्या है इस पर अगर पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो पुट्टी का इस्तेमाल करने के फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे सूखने का इंतजार करना पड़ता है। तो इसमें क्या आपको देखिए सूखने में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे अपना काम है साथ साथ इस पर कर सकते हैं। और इसको जब बना के हमें पे रख देंगे तो क्या होगी जो मिट्टी है हमारी सॉइल है ये सूख के हार्ड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने दूसरी शेप है वो भी यहाँ पे कट कर ली है और उसको मैंने इस तरह यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और इसी तरीके से देखिए मैंने ब्लैक मार्कर से ब्लैक मेरा पीछे जो है क्या वो प्लास्टिक है तो आपको जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा तो जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग की है। तो चलिए यहाँ पे जो मैं जैसे जैसे पेश कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको जो यहाँ पे नज़र आता रहेगा। तो हमारा प्लांटर यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे अच्छा रहने वाला है आज का हमारा।
देखिए ऊपर से जो है हमने इसको भी यूज़ कर लिया है और ऊपर से इसको भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और बाद में जो है इसमें एल्फी डाल के सबको अच्छे से यहाँ पे जाम कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे वर्क बचा है तो वो भी यहाँ पे जल्दी से हम कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जितनी मैंने शेप्स बनाई हैं देखिए वो आपको नज़र आ जाएंगी। और देखिए इस तरह से मैं कहूँगा कि इससे एक बेनिफिट और यहाँ पे रहता है कि आप इस तरह से जो शेप है बड़े अच्छे से आप अपने हाथों से यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने यहाँ पे शेप दे दी है और देखिए क्ले मिट्टी का जो हमारा वर्क था जो है यहाँ पे फिनिश हो चुका है, थोड़ा सा काम और यहाँ पे है। तो उस यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें छोटा सा एक सर्कल और यहाँ पे जो मैं कहूँगा कि बनाना है तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक और छोटी सी जो है राउंड शेप की जो प्लास्टिक की डिब्बी थी मेरे पास वो मैंने यहाँ पे ली है और उसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेरी कहूँगा पेंट के कलर की जो डिब्बी थी छोटी सी वाटर कलर की वो मैंने यहाँ पे ली है और इसी से हम जो छोटी शेप यहाँ पे कट करेंगे। तो एक छोटी शेप जो है मैंने यहाँ पे कट कर दी है। तो देखिए दो राउंड शेप मैंने छोटी तरह से कट कर ली है और इनको भी देखिए यहाँ पे इसके ऊपर जो हमने आई बनाई थी उसी पर दोबारा से हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने सुपर फिर से जो है पेस्ट कर दी है एक सर्कल और फ्रेंड्स देखिए तरह से मेरा पेस्ट करने वाला है कि इनके बाद जो आप अपनी जितने यहाँ पे जो आपने किया है बनाया है उसको आप देखिए अपने हैंड से जो है प्यारी सी शेप दे लीजिए, मुलायम उसको कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे इसको अच्छी सी शेप यहाँ पे दे देंगे। और चलिए वैसे तो हमारा पूरा वर्क था वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है तो आप बारी आती है यहाँ पे देखिए पेंट करने की। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑल पेंट का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप ऑल पेंट से तरह से कहूँगा इसको आप जो कलर यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए वो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो हम अपने ऑल पेंट जो है ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इससे पहले है ऑल पेंट करने से पहले आप इस तरह से कहूँगे जो आप एल्फी है तो देखिए एल्फी जो आपको स्टेशनरी शॉप इस से मिल जाएगी। आप जो है इसके ऊपर जितने हमने यहाँ पे ड्राइंग की है उसका जो है एक एक बूंद आप डाल दीजिए तो मैं कहूँगा आपने जो यहाँ पे पेस्ट किया है वो आपको यहाँ पर परमानेंट हो जाएगा और वो आपको जो है इस तरह से बार नहीं उतरेगा। तो देखिए जितने भी हमने यहाँ पे बनाया था तो उस पर जो है मैंने इस तरह से एल्फी डाल दी है और ये सारा जो है 5 मिनट के अंदर जो है सूख के एकदम इस पर परमानेंट के तौर पे चिपक जाएगा। देखिए इसमें हमने डाल दिया है और ये जो हमारा सॉलिड हो गया है। तो चलिए इसको 5 मिनट के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देते हैं और जब तक हम अपना पेंट है वो ओपन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने अपने कलर जो है ओपन कर लिए हैं। ऑयल पेंट देखिए आप जो है ऑयल पेंट का ही इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ऑयल पेंट के पे क्योंकि बहुत ही अच्छे रहते हैं। आप चाहे फिर उसे सनलाइट में रखिए, बारिश में रखिए, पानी में रखिए तो आपके जो पेंट है वो यहाँ पे ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कहूँगा जो मैंने सबसे पहले जो कलर यहाँ पे बनाया है तो देखिए इस तरह से येलो जो है रेड को मिक्स करके मैंने ऑरेंज कलर अपने यहाँ पर बनाया है। तो इस तरह से आप मैं कहूँ कि आप मल्टीपल कलर भी खरीद सकते हैं और नहीं तो आप देखिए कुछ मेन कलर खरीद लीजिए और उन्हीं को अगर आपको मिक्स करके कलर बनाना आता है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ऑरेंज कलर यहाँ पे बनाया है तो ऑरेंज कलर जो है मैं अपना इस तरह से इस पर कर दूँगा। कुछ इसके जो है मैंने पार्ट्स यहाँ पर बनाए हैं जैसे कि नोज़ है और इसकी जो आईब्रो वगैरह है उस पर इस तरह से हम ऑरेंज कलर के यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए जो प्लांटर है मैं यहाँ पे क्या बनाना चाहता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मैंने यहाँ पे क्या चीज़ बनाई है। देखिए इस तरह से इसकी नोज़ पे और जो इसकी आईब्रो है उस पर हम इस तरह से ऑरेंज कलर कर देंगे। तो कलर मैं इस पर तरह से कर देता हूँ और मिलते हैं फिर कुछ इस तरह से कलर कम्प्लीट करने के बाद।
तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ये ऑरेंज कलर था वो मैं यहाँ पे फिनिश कर चुका हूँ। और देखिए एक जो कोट है, इसके आप मैं कहूँ कि जब पेंट आपका सूख जाएगा, अगर एक कोट और दोबारा से कर देंगे तो उस पर जो फिनिशिंग है बहुत अच्छे से यहाँ पे आएगी। तो देखिए बाकी जो हमने इसके बैकग्राउंड में जो आई बनाई थी, तो आई के ऊपर भी देखिए कहूँ कि जो कलर है मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। देखिए इस तरह से जो मैंने येलो कलर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, तो येलो कलर को मैं इस तरह से पेंट कर दूँगा। और देखिए जी, उसके ऊपर हमने एक और सर्कल जो यहाँ पे चिपकाया था, उस पर हम यहाँ पे कलर करेंगे ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। आप चाहो तो देखिए अपनी मनमर्जी के मुताबिक जो यहाँ पे कलर का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो मैं कलर है दोनों आई में इस तरह से फिनिश कर दूँ, और ऊपर वाले जो सर्कल है उसमें ग्रीन कलर में यहाँ पे करूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो हम अपने प्लांटर बना चुके हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर जो एक और बटन लगाया था, देखिए उस पर जो मैंने ग्रीन कलर कर दिया है, और ऊपर से देखिए मैंने इस तरह से जो है येलो कलर से कुछ डिज़ाइन यहाँ पे बना दिया है। अब देखिए येलो कलर से यहाँ पे जो है बाकी एक काम है जो यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। तो देखिए इससे क्या है कि मैंने देखिए इस तरह से कुछ और इस पर जो आप जो डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जो हमें कुछ इस तरह से जो सर्कल हैं वो यहाँ पर बनाऊँगा। तो देखिए कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे बाकी जो बोर्ड बचा है, स्पेस जो यहाँ पे बचा है, सब पे इस तरह से यहाँ पे हम कर देंगे। तो मिलते हैं यहाँ पे जो है पूरा इस तरह से ड्राइंग करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से कहूँगी जो पोर्ट था उस पर हाफ से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना दिया है। और देखिए यहाँ, अगर आपको समझ में आया है कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बनाइए बताइए, ताकि वीडियो एंड होने से पहले आपको पता चले कि ये क्या है। नहीं तो वीडियो एंड होने के बाद में आता है आपको बताऊँगा कि मैंने क्या बनाया। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लैक कलर यहाँ पर लिया है, तो ब्लैक कलर से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके बीच में जो इसकी आई है वो यहाँ पर हम कम्प्लीट कर देंगे। वो ब्लैक कलर मेरा थोड़ा यहाँ पे लूज था, देखिए जिसकी तरह से कि आई जो है फैल गई है थोड़ी सी। तो देखिए यहाँ पे जो है, देखिए हमारा प्लांटर बिल्कुल रेडी है, और जो यहाँ पे जो कलर हमारा फैल गया उसको देखिए यहाँ पे हम साफ कर देंगे कपड़े से। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्लांटर था बिल्कुल बन के यहाँ पे रेडी है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने प्लांटर बनाया है वो है मैंने यहाँ पे उल्लू, तो उल्लू का फेस मैंने यहाँ पे बनाया है। और देखने कितना प्यारा प्लांटर हमारा बना है। देखिए यहाँ पे कोई भी कलर का आप इस्तेमाल कर सकते थे। और देखिए चलिए इसमें अब बारी आती है, तो इसमें हम गार्डन सॉइल फिल करके यहाँ पे जो है अपना प्लांट यहाँ पे हम अपना लगा लेते हैं। तो आप जैसे भी आप बनाएंगे तो इसमें आप ड्रेनेज होल जोर से बना लीजिए, क्योंकि ड्रेनेज होल जो है मेरे पहले से ऑलरेडी जी मेरे पॉट में बने हुए थे। तो यहाँ पर जो भी कंटेनर का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको ड्रेनेज होल जोर से बना लेना है। तो चलिए यहाँ पर जो है अपनी गार्डन सॉइल इसमें फिल कर लेता हूँ, और प्लांट इसमें हम अपना लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आज हम प्लांट लगाने वाले हैं वो देखते हैं, जो मेरा फ्लावरिंग प्लांट है ये है डॉग फ्लावर। और डॉग फ्लावर क्या हुआ, विंटर का बहुत ही खूबसूरत जो प्यारा सा नया प्लांट है। आप इसका जो फेस देखेंगे बिल्कुल आपको डॉग जैसे नज़र आएगा, और जो है अपना मुंह भी यहाँ पे ओपन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे जो है इसका मुँह भी ओपन होता है, और बिल्कुल ये है डॉग फ्लावर हमारा। तो इसमें कई सारे कलर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं नर्सरी में। तो चलिए इसको जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो गार्डन सॉइल में अपने यहाँ पर डाल चुका हूँ, और इसमें देखिए इस तरह से हम प्लांट हमने इसमें रख दिया है, और इसको देखिए हम गार्डन से गार्डन प्लेन गार्डन सॉइल से इसको फिल कर देंगे। तो चलिए प्लेन गार्डन सॉइल से इसको हम फिल कर देते हैं। तो प्लेन गार्डन सॉइल मैंने इसमें डाल दी है, और अब बारी आती है इसमें वाटरिंग करने की, तो वाटरिंग है इसमें हम कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज का हमारा DIY हुआ कंप्लीट। तो हमारा प्लांटर बिल्कुल बन के रेडी है, और आप देख सकते हैं हमारा आज का जो प्लांटर है देखने में एकदम खूबसूरत यहाँ पे जो है नया भी यहाँ पे लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन के लिए, होम डेकोरेशन के लिए, इस तरह से आप जो प्लांटर है आप पेस्ट मटेरियल से इस तरह से घर पर आप बना सकते हैं, और क्योंकि इसमें जो है खर्चा बिल्कुल भी नहीं है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो इस तरह से आप घर पे ही प्लास्टिक को कबाड़ में फेंकने की बजाय आप इस तरह से सुंदर सुंदर जो यूज़ करके रिसाइकल करके आप अपने गार्डन के लिए प्लांटर बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज के द्वारा देखिए जो आइडिया है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा देखिए आज का आइडिया पसंद आया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई आइडिया के साथ।